खंडवा जिले के अंतर्गत ताप्ती चिल्लूर परियोजना को पूर्ण करने की मांग को लेकर हजारों किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खंडवा में रैली निकाली। किसानों ने नहर परियोजना का कार्य शुरू करवाकर सिंगोट और पंधाना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। खंडवा जिले के सिंगोट क्षेत्र में लगभग 147 गांव और वन ग्राम शामिल है, जो कि पंधाना और खंडवा तहसील के अंतर्गत आते हैं। इन सभी गांवों में सिंचाई का बहुत अभाव है। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में न ही कोई कारखाना है और न ही रोजगार का कोई साधन। यहां पर मजदूरी और कृषि ही आय का मुख्य स्रोत है। कृषि भी मानसूनी वर्षा पर आधारित है। पिछले कुछ वर्षों से अनियमित या अल्प वर्षा ने इस क्षेत्र के किसानों की आर्थिक रूप में कमर तोड़ कर रख दी, जिससे क्षेत्र का किसान परेशान है। इसमें सिर्फ दो लोगों की परेशानी हो रही है। एक तो ये है कि जो पर्यावरण विभाग है, इसको 200 हेक्टेयर भूमि चाहिए, जो हम ये मांग लेकर आए थे कि हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय हैं, उनको कहीं से भी आवंटित करवाए, जो मध्य प्रदेश में कहीं भी हो सकती है। दूसरा ये है कि वो जो 14 गांव हैं, उनकी ग्राम पंचायत को राजी करवाना है कि यहाँ पर डैम बनने देना चाहिए। क्या रहेगा आप लोगों का आगे का? आगे का ये प्रशासन क्या करता है, हमारा सपोर्ट करता है नहीं करता है, फिर जैसे भी जो भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से हम आगे स्टेप लेंगे। अभी फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं, इनका रिटर्न में हमको या कुछ भी एक्शन अगर देखने को मिलता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो कुछ न कुछ इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि ताप्ती चिल्लूर नहर परियोजना विश्व की सबसे अनूठी प्रस्तावित परियोजना है, जो अभी तक यह पूरी नहीं हो पाई है, जिसके शीघ्र पूर्ण किए जाने की मांग को लेकर किसानों को आंदोलित होना पड़ा। इस परियोजना में लाभान्वित होने वाले क्षेत्र में खंडवा जिले में खालवा तहसील की 27,740 हेक्टेयर भूमि, पंधाना तहसील की 28,708 हेक्टेयर भूमि और खंडवा तहसील की 33,192 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होना है। यह परियोजना पूरी होते ही किसानों के जीवन स्तर में सुधार होगा। यही वजह रही कि चिल्लूर नहर परियोजना की बहाली के लिए किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पिछले गत वर्षों से जो हमारी क्षेत्र में ताप्ती चिल्लूर परियोजना स्वीकृत है, उसको जल्द से जल्द शासन, राज्य शासन एवं केंद्र शासन द्वारा जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान की जाए और उस पर टेंडर पास किया जाए। हमें किसी भी सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, न राज्य सरकार से न केंद्र सरकार से, हम दोनों सरकारों के साथ है। हमारी सभी किसान भाइयों की एक ही मांग है कि ताप्ती चिल्लूर परियोजना को जल्द से जल्द स्वीकृत किया जाए, जिससे 147 गांवों को सिंचाई के लिए प्लस पेयजल का पानी उपलब्ध हो। पिछले 10 सालों में कोई भी सरकार ने हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। क्या कारण है जिसके कारण ये योजना अभी तक रुकी हुई है? इसमें 14 गांव डूब में जा रहे हैं, जिन्हें उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराई जाए एवं उन्हें जल्द सरकार द्वारा आश्वासन दिया जाए एवं जो 200 हेक्टेयर जमीन है जो पर्यावरण विभाग को देना है, वो भी माननीय कलेक्टर महोदय से एवं राज्य शासन से अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या जारी रहेगा? जब तक हमारी नहर की मांग पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नहर सैनिक सर्वोदय पाटीदार, ग्राम खंडवा से राहुल बोरसिया के साथ मनीष अहिरवार की रिपोर्ट।